What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 14th November 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:08 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का, तो काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। कल हमने देखा एक साफ प्रेशर निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला, ऊपर के स्तर से फिर से ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ, तो 12,000 का जो ये लेवल है वहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त हर्डल देखने को मिल रहा है। आज एक्सपायरी के दिन क्या निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। यह कल का पिक्चर है, यानी 13 नवंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल के वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,946 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,848। तो जैसे कि ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ा और यहाँ पर जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था इसको ब्रेक नहीं कर पाया। एग्जैक्ट यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया 11,946 के पास। कल का हाई भी एग्जैक्ट 11,946 था। यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ और जैसे हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो इसने हमारा फर्स्ट टारगेट 11,827 ये अचीव किया और एग्जैक्ट फर्स्ट टारगेट का ये जो लेवल था यहाँ पर ही इसने सपोर्ट टेस्ट किया। तो कल काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किए थे। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 14 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 10,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। कल अमेरिकी बाजार में भी हमें कॉन्ट्रा ट्रेड देखने को मिला, यानी डाउ जोन्स ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और नासडैक में गिरावट देखने को मिल रही थी। डाउ जोन्स करीब 92 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ, तो हालांकि नासडैक एक हल्के से प्रेशर के साथ हमें क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। कल यूरोपियन मार्केट भी सभी लाल निशान में बंद हुए और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो निक्केई जापानीज इंडेक्स 140 पॉइंट के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और चाइना मार्केट और हांगकांग मार्केट भी दबाव के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर की बात करें तो 18 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी मामूली सी बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अभी ग्लोबल मार्केट में भी थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट, लास्ट वीक इसने दोजी कैंडलस्टिक बनाया था, हालांकि ऊपर में इसने ये टेल छोड़ दिया था। यहाँ पर ऊपर की तरफ इसने टेल छोड़ दिया था और नीचे जहाँ ओपन हुआ था उसी के नीचे जस्ट आके ये क्लोज हुआ था। उसके दो हफ्ते पहले भी सेम दोजी कैंडलस्टिक बना था, लेकिन तभी इसने जो टेल था वो नीचे की तरफ छोड़ दिया था और ऊपर आके जस्ट ओपन था उसी के नीचे आके ये क्लोज हुआ था। तो ये दोनों भी दोजी थे, लेकिन इसका टेल देखे तो इसका एक नीचे की तरफ है, इसका ऊपर की तरफ है, यानी ये हमें सीधा इंडिकेशन देखता है कि यहाँ पर बुल्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी और यहाँ लास्ट वीक बुल्स की स्ट्रेंथ कम हो रही थी। तो इस वीक हमें ये यहाँ पर प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो अभी कल अगर 11,823 का जो लो लगाया कल वो अगर ब्रेक होता है आज भी तो नीचे की तरफ हमें 11,720 के पास फर्स्ट सपोर्ट हमें दिखाई दे सकता है। ये एज पर हम वीकली चार्ट की बात कर रहे हैं। अभी 20 EMA काफ़ी दूर है, जो इंडेक्स इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है 20 EMA काफ़ी दूर है, तो यहाँ पर हो सकता है यहाँ से ही कहीं बीच में एक सपोर्ट लेके फिर से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें 20 EMA तक वीकली चार्ट में 20 EMA तक निफ्टी इंडेक्स ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये वीकली चार्ट का सिनेरियो, क्लियरली हमें 12,000 के ऊपर अभी तक वीकली चार्ट में क्लोज नहीं मिला है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट में जो लैगिंग इंडिकेटर मैगडी अभी ये निगेटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, कल जस्ट इंडिकेट किया है और एक अगर कैंडल बनता है तो क्लियरली यहाँ पर निगेटिव क्रॉसओवर दिखाई देगा। ऊपर प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी ये दोजी फॉर्मेशन हुआ था 7 नवंबर को, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई दोजी जैसा लगता है, ये अप ट्रेंड में आया है इसीलिए हम इसे ड्रैगन फ्लाई दोजी नहीं कह सकते। यहाँ पर नेक्स्ट डे ये बियरिश कैंडलस्टिक क्रिएट हुआ है, तो ये
इवनिंग स्टार दो जी कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर हम इसे कह सकते हैं। उसके बाद अभी हमें ये प्रेशर यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये 11,872 यहाँ पर ये जो सपोर्ट का काम कर रहा था ये लास्ट 5-6 दिनों से, ये अभी कल ब्रेक हुआ है। लेकिन कल का लो अगर ब्रेक होता है तो ही यहाँ से हम ओवरनाइट ये शॉर्ट पोजिशन बना सकते। फिर हमारा ये फर्स्ट टारगेट जो है ये 20 AMA का होगा 11,750 ओवरनाइट पोजीशन के लिए। अगर ये 750 का यहाँ पर सपोर्ट जो है वो यहाँ पर ही ये 61.8% का ये लेवल आ रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल, तो यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है 11,700 टू 750 के पास। अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे डेली चार्ट एज पर डेली चार्ट हमें यहाँ पर 50 EMA यानी 11,533 तक निफ्टी इंडेक्स हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर जाने के लिए अभी इसे 12,000 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। कोई डिसीजिव मूव आती है 12,000 के ऊपर तो ही हमें अपसाइड मूव यहाँ से कंटिन्यू आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। अभी फिलहाल देखें तो थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल यहाँ पर मिल रहा है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अभी ये कल भी हमने देखा ये मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रैप हो चुका था। कल इसने यहाँ पर आज पर आर्ली चार्ट ये 20 EMA का यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया ऊपर जाते हो किसके ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया और टुवर्ड साउथ की तरफ मूव हुआ। तो यहाँ पर अभी एक पैटर्न बन रहा है लोअर हाइज और लोअर लो का, ये इस तरह से ये यहाँ पर फिर ये ऊपर गया थोड़ा और फिर ये नीचे आया। ट्रिपल टॉप यहाँ पर बन चुका है ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। और ये यहाँ पर अभी फिर से लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन यहाँ पर हमें कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी अगर ये कल का लो अगर ब्रेक करता है तो इसके नीचे तुरंत ये 100 EMA का मूविंग एवरेज है जो कि ग्रे लाइन में है, तो इसके नीचे अगर ये चला जाता है तो ही हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यानी 11,818 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये S1 का पिवट पॉइंट का लेवल जो कि 11,793 के पास है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,776, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो यहाँ पर हमने कल देखा था ये यहाँ पर सपोर्ट फेस का टेस्ट कर रहा है 11,850 के पास। तो अभी जहाँ पर ये सपोर्ट फेस का टेस्ट कर रहा था पास्ट में 11,850 के पास, तो अभी यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगर 850 का लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर आज तुरंत पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है 11,870 का, तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए ऊपर की तरफ, तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये जो ब्लू लाइन है 50 EMA का, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यानी 11,896 के पास हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 11,917, ये हमारा पिवट पॉइंट का R1 का जो लेवल है ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।